मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा भूमाफिया मुहिम के अंतर्गत प्रशासन ने कई भूमाफियाओं का पर्दाफाश किया है और इन भूमाफियाओं के द्वारा किए गए अतिक्रमण को रिमूवल गैंग द्वारा हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम का ये हथौड़ा एक और भूमाफिया के अतिक्रमण पर चला है और इस अतिक्रमणकारी के अवैध अतिक्रमण को जमीन दोज कर दिया गया है। देवास में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बाईपास पर बनी नाना यादव की आलिशान कोठी पर नगर निगम का बुलडोजर चला। उस मौके पर देवास के एसपी कलेक्टर भी पहुंचे। पता चला है कि कोठी का निर्माण बिना अनुमति किया गया था और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत थी। नाना यादव के बारे में कहा जाता है कि वो भी देवास में नामी गिरामी व्यक्ति है और उसने बाईपास पर आलिशान कोठी का निर्माण कर लिया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.